So no doubt this is masala tea and it's very tasty. ऐसा क्या किया कि आप ITM बन गए? एक तो था dedication, एक था determination और एक था perseverance या फिर hard work. मैंने क्या, मैंने mains के basis पे जो कॉलेज मिल रहे थे उन पे focus दे दिया. So guys, an important part of this journey, which I said चाय पे चर्चा. हियर द थिंग इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे हम दीपक और तेजस, ठीक है, ITN एंड नॉन ITN, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार IT में और JEE एडवांस्ड और आपका JEE मेन में सफलता का राज क्या है. बट सबसे पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं सो दैट वी गेट एनर्जाइज्ड. थैंक यू. So no doubt this is masala tea and it's very tasty. तो अंकित, सबसे पहले आपसे, क्या आपको इस कोई प्राइड की फीलिंग होती है, गर्व की फीलिंग होती है दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बाय बीइंग एन ITN? यस सर, मतलब ऐसा, मतलब जैसे घर पर भी और सब लोग बोलते हैं कि आप मतलब काफ़ी अच्छा मेहनत किए हो और 2 साल मेहनत करके इतना डेडिकेशन दिखा के कुछ क्लियर किए हो, तो अच्छा तो फील होता ही है. अच्छा, एक प्राइड का फीलिंग होता है. प्राइड का नहीं, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस फील. सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो. अच्छा, तेजस आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको कोई रिग्रेट है कि आप इस चीज़ को नहीं कर पाए या इससे बेटर कर सकते थे, या कोई इन्फेरिटी की फीलिंग होती है आपको? सर ये मतलब शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम मतलब जैसे JEE एडवांस दे के अच्छा और IT में जा सकते थे. मतलब ये तो रहता ही है कि हम IT में तो जा सकते थे अगर हम थोड़ी और अच्छी मेहनत करते, और वो मेहनत के लिए फिर और टाइम लगाना पड़ता, मतलब और हमें ड्रॉप लेना पड़ता वो सब. तो लेकिन अभी ये है कि जो भी हम अभी जैसे ब्रांच कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह, उसमें मतलब काफ़ी अच्छी स्कोप है. तो मतलब इतना नहीं लगता कि हम, जैसे मैंने क्या किया था, मेरे को कॉलेज मिल रहा था दूसरा अच्छा और, लेकिन वहाँ पे ब्रांच कोई और मिल रही थी, तो मैंने अपनी ब्रांच को प्रेफरेंस दी, कॉलेज को इतना नहीं दिया. मतलब लेकिन ब्रांच मेरी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, कंप्यूटर साइंस. अब दीपक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जिसका इंतजार शायद पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आपने ऐसा क्या किया कि आप ITN बन गए? सर मतलब 3 चीज़ें एक तो मैं मेंशन करना चाहूँगा. एक तो था डेडिकेशन, एक था डिटर्मिनेशन और एक था प्रेजिडेंस या फिर हार्डवर्क. मतलब ये 3 चीज़ें मैंने फॉलो करी अपने रूटीन में. एक तो फेलियर सबके उसमें आते हैं जर्नी में, लेकिन आपको डिटरमाइंड रहना होगा. बट आप उठ के कैसे खड़े हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हाँ, वो ज़्यादा, उसके लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर. और हार्डवर्क अगर होगा आपके अंदर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड हो जाएंगे. वंडरफुल. और तेजस, आपका, आपने ऐसा क्या किया कि आप JEE क्रैक नहीं कर पाए? बड़ी ऑनेस्ट, मतलब एक आपकी वो. सर मेन डिफरेंस तो ये था कि मतलब जैसे JEE मेंस मैंने क्लियर किया था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा NIT की साइड चला गया था. मतलब वैसे प्रेफरेंस मेरी IIT थी पहले, पर JEE एडवांस में प्रॉब्लम ये हुई कि JEE एडवांस में मैंने उतना टाइम नहीं दिया उसको. मतलब जैसे मेंस में मैं अपना वो देखने लग गया कि कौन से कॉलेज सही हैं, कौन से और अच्छे मिल सकते हैं मुझे, पर मैंने क्या किया फिर एडवांस में एकदम रैंडम फोकस नहीं कर पाया मैं मेंस के बाद. तो मैंने क्या किया, मैंने मेंस के बेसिस पे जो कॉलेज मिल रहे थे उन पर फोकस दे दिया, बजाय कि मुझे एडवांस पे देना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा टाइम कम लग गया थोड़ा. तो कहीं ना कहीं से फोकस का थोड़ा इशू रहा. ये फोकस का तो इशू है. बट आई एम श्योर कि आप जिस तरह से डिटरमिंड हो, आगे फोकस के साथ आप लाइफ में वो जरूर अचीव करोगे. यस, एंड यू विल बी डूइंग वंडरफुल, एंड डेफिनेटली दीपक टू यू आल्सो. सो फ्रॉम टेस्ट प्रेप कार्ट फॉर दिस नाइस जर्नी, आई डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू. वी हैड अ वंडरफुल टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि पूरी दुनिया के बच्चे जो JEE दे रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर, है ना, वो आप दोनों से सीखें, आप दोनों से प्रेरणा लें. और ये बताएं कि मतलब पूरी ज़िंदगी एक एडुकेशन है ना, ये कोई एंड नहीं है आपकी
और मेरे को लगता है आप दोनों से बात करने के बाद कि आपको जर्नी में ज़्यादा मज़ा आता है ना कि वो टारगेट सेट करने में। हमारा जर्नी में तो है ही सर, मतलब मेन जो डेडिकेशन की नीड होती है वो तो जर्नी होती है, मोटिवेशन जो हमें चाहिए होती है वो तो जर्नी को पार करने में ही काम आती है। बिल्कुल, वंडरफुल वंडरफुल, आई मीन ग्रेट टू हैव स्पोकन विद बोथ ऑफ यू। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम ईयर, सेम ईयर। थैंक यू सो मच।